सब्सक्राइब करिए ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूं नाजू, आप लोग देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा रोप का मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए आपको पहले दिखा देते हैं, इसके बाद आपको सिखाऊंगा उसको किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दो तरीके का रोप है, एक है सफेद रोप और एक है कलरिंग रोप। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला देख लो एक बार कि ये सही है, ये भी देख सकते हो, ये भी देख लो एक बार। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल सा रोप है, जिस तरीके का रोप हम लोग घर में यूज करते हैं उसी तरीके का रोप है। तो मैजिक ये करना है आपको कि इस रोप के अंदर इस रोप को डालना है, ठीक है, आप डाल सकते हैं, ट्राई कर लीजिए एक बार। अब एक बार ट्राई कर, ये नहीं छोड़ेंगे, आप क्या करके देख सकते हैं इसके अंदर डालना है, डाल पाएंगे आप? नहीं होगा दोस्तों। तो ये मेरे को करना है मैजिक से, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसके बाद आपको सिखाऊंगा भी इसको किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, दोनों रोप बिल्कुल नॉर्मल सा रोप है। इसको मैं क्या करूंगा, पीछे ले जाऊंगा और पीछे ले जाने के बाद इसमें थोड़ा मैजिक लगाऊंगा, और मैजिक लगाने के बाद आप देखेंगे तो 1 2 3 आप देख सकते हैं कि ये रोप इसके अंदर चला गया, क्या है देख लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई डोर है या इसमें कोई छेद है देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों आप भी देख सकते हैं कि ये जो रोप है इसके अंदर चला गया है। तो अगर इसको यहाँ से निकालना है तो आपको इस तरीके से खींचना है, ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था बहुत ही अच्छा मैजिक ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरीके का अच्छा अच्छा मैजिक ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो जब मैं इस रोप दोनों को पीछे ले जाता हूं तब क्या करता हूं, एक रोप के ऊपर और एक रोप रख देता हूं इस तरीके से, और रखने के बाद क्या करते हैं, ये वाला रोप को खींच के इधर ले आते हैं दोस्तों, और ये वाला रोप को खींच के इधर ले आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, और इधर देखिए अभी भी इसके अंदर से ये रोप जा रहा है। तो जोर से जब आप इसको खींचेंगे तो अब लगेगा कि ये इसके अंदर चला गया। तो कभी भी इसके अंदर नहीं जाता है मैजिक से, हर किसी मैजिक के पीछे एक ट्रिक होता है। तो आपको और एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये वाला रोप को हमने यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लिया और इसको इस तरीके से पकड़ लिया। तो आपको दिखाते हैं, दो रोप है तो एक के ऊपर एक रख देते हैं और इसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से हम साइड कर देते हैं और ज़ोर से खींचते हैं, तो आपको लगता है कि मैजिक से एक रोप दूसरे रोप के अंदर से चला गया दोस्तों। तो चलिए आपको एक बार पीछे से दिखा देते हैं कि इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दो रोप को कुछ इस तरीके से पीछे ले जाइए, और ले जाने के बाद इस रोप को इस रोप के अंदर से डालने के बाद इस तरीके से पकड़ लीजिए और इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए, और पकड़ लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपके हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और सिर की पार कर लीजिए और जोर से इस तरीके से खींच लीजिए। जब खींचेंगे तब देखेंगे कि रोप इसके आर पार हो गया, इसके अंदर से चला गया दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए, और इस तरीके का अच्छा अच्छा मैजिक ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार।